नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए, बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ कुंडा से। जी हां, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। कभी भी देखिए, इसकी डेट फाइनल हो सकती है, लेकिन उससे पहले हर पार्टी चाहती है कि भैया अलग अलग इलाकों में अपने अपने चेयरमैन बैठा दे। यानी कि हर पार्टी ये चाह रही है कि भैया पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी चेयरमैन के दफ्तर है उनमें अपना आदमी बैठे। ये देखिए हर पार्टी चाह रही है। समाजवादी पार्टी देखिए इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, बीजेपी अपना रही है, सारी पार्टी, बसपा हो गई, आप देखिए रालोद हो गई, कोई भी पार्टी हो सब अपना रहे। लेकिन इनके बीच प्रतापगढ़ में एक ऐसी विधानसभा भी है जिसमें राजा भैया नाम के जो विधायक हैं 1993 से जो देखे जीत आ रहे हैं, जिनका एक डायलॉग बहुत फेमस है कि भैया कुंडा में आज के तक कुंडी लगाने वाला कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ। तो वहां पर देखिए कोई भी पार्टी का जीतना काफी मुश्किल लग रहा है। जी हाँ, यहाँ पे लगातार देखिए सारे न्यूज चैनल, देखिए यूट्यूब न्यूज चैनल हो गए, सैटेलाइट हो गए, कोई भी जितने बड़े बड़े न्यूज चैनल है वो सब इंटरव्यू लेने पहुंच रहे हैं लोगों का, बाइट ले रहे हैं, पब्लिक बाइट ले रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं, लोगों का राय जान रहे हैं कि भैया अगर नगर पंचायत चुनाव होता है तो कुंडा का चेयरमैन कौन बनेगा, कुंडा विधानसभा का चेयरमैन जो होगा वो कौन बनेगा नगर पंचायत का चेयरमैन। तो सबके मुंह पे देखिए एक ही जवाब आ रहा है, यानी कि अगर 100 लोगों से पूछा जा रहा है तो 99 के ऊपर मुंह पर ये जवाब आ रहा है कि भैया राजा भैया के जिसका आशीर्वाद होगा वही जीते। यानी कि जनसत्ता दल लोकतंत्र, जो कि राजा भैया की पार्टी है, उसका ही चेयरमैन देखे कुंडा का, कुंडा नगर पंचायत का चेयरमैन होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब चुनाव आते हैं तो सपा के गुलशन यादव, जो कि 10 साल देखिए राजा भैया के साथ थे, कुंडा नगर पंचायत के चेयरमैन रह चुके हैं गुलशन यादव राजा भैया के आशीर्वाद से, ऐसा जो जनता बोल रही थी, तो अब वो उनके खिलाफ जब खड़े होते हैं विधानसभा में, तो या सपा के गुलशन यादव के जो कोई करीबी जीतेगा या फिर राजा भैया का कोई करीबी जीतेगा, ये लड़ाई जो होगी वो काफी टफ रहने वाली है। क्योंकि अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के जो गुलशन यादव ने भी काफी मेहनत करके वहां पर अपना वोट बैंक बनाने में देखिए बिल्कुल कामयाब हो चुके, क्योंकि जीत का जो अंतर है राजा भैया का वो थोड़ा सा देखिए अभी कम होता जा रहा है। हालांकि देखिए थोड़ा और टाइम और लगेगा गुलशन यादव को जीतने में, लेकिन हाँ जो जीत का अंतर है राजा भैया का वो कम होता जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर पंचायत चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की देखिए प्रत्याशी बैठेगा उस चेयर पे या फिर समाजवादी पार्टी के बैठेगा, ये देखने वाली बात। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।